कार्टोमेंसी की अगर हम बात करें तो एक ऐसी विद्या है जो कि बहुत ही पुरानी है, 14th सेंचुरी में प्रैक्टिस की जाती थी। ये सारी चीजें क्योंकि वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर्ड है, तो इसलिए आपको इंडिया में इसका रेफरेंस कम ही मिलेगा। और बहुत ही सिंपल है, हम सबने अपने घरों में ये ताश के पत्ते देखे होंगे कभी ना कभी, बच्चे खेलते हैं और लगभग हर दूसरे घर में आपको मिल जाएंगे के लोग खेल रहे हैं, दे इनवाइट देयर फ्रेंड्स, ताश है। लेकिन ये प्राचीन काल में 14th सेंचुरी के आसपास इससे प्रिडिक्शंस होते थे, फ्यूचर प्रिडिक्शंस, और इसी विद्या को कार्टोमेंसी के नाम से जाना गया था। आज हम इसी जर्नी की शुरुआत करेंगे, तो शुरू करने से पहले कुछ सकारात्मक ऊर्जा का आवाहन कर लेते हैं। लेट्स प्रे एंड इनवोक द हेवनली एनर्जीज बिफोर वी बिगिन द जर्नी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। चलिए एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, आपने यहाँ ज्वाइन किया। अब हम शुरुआत करते हैं इस जर्नी की जिसका नाम है कार्टोमेंसी। एक बारी ये समझ लेते हैं कि हम इस दौरान क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, क्या क्या चीजें हम सामने से देखेंगे। सो लेट्स हैव एन इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स फर्स्ट। ओके, कार्टोमेंसी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसा डिविनेशन टूल है। डिविनेशन हम इसलिए कहते हैं कि जब भी हम कोई भी प्रेडिक्शन करते हैं, कहीं भी हम एनर्जीज को इन्वोक करते हैं, तो हमारा विश्वास होता है उन सकारात्मक ऊर्जा में जो हमारे आसपास है। और क्योंकि इसको हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं आगे भी लोगों के भले के लिए, कोई अपने अर्निंग सोर्स के लिए, तो इसलिए हम एक डिविनेशन टूल इसको मानते हैं कि हमारे लिए ये हमारी साधना है, हमारी पूजा है। तो कार्टोमेंसी एक डिविनेशन टूल है, इसकी जर्नी की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। अब जानते हैं कि इसमें हम क्या-क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप इसका इंट्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय कार्टोमेंसी एंड द बेनिफिट्स, क्या फायदे हैं ये सीखने के, ये जानेंगे आप। देन हिस्ट्री ऑफ कार्टोमेंसी, कहाँ से ओरिजिनेट की, अचानक से आज हम ये टर्म्स पढ़ रहे हैं, हम इसे यूज करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले हैं, तो ये कहाँ से आया और आज हम इसे यूज करके कैसे अपने लिए भी फायदा कर सकते हैं या दूसरों के लिए भी, तो वो जानेंगे। फिर एक टैरो और कार्टोमेंसी के बीच में डिफरेंस क्या है। एक्चुअली मुझसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने ये सवाल कई बार किए हैं कि मैम टैरो डेक्स बहुत कॉस्टली आते हैं, मैम 78 डेक्स को याद रखना बहुत मुश्किल है। तो
तो आई वॉज इन लुकआउट फॉर समथिंग विच कैन रियली बी इफेक्टिव, जिसकी रीडिंग भी उतनी ही ऑथेंटिक हो अगर आप किसी के लिए करें। तो उसमें फिर आई केम अक्रॉस कार्टोमेंसी, एंड देन आफ्टर प्रैक्टिसिंग एंड आफ्टर टीचिंग इट टू स्टूडेंट्स हु वर यंगस्टर्स, टीनेजर्स थे दो तीन, उनको सिखाया पहले, और उनकी रीडिंग से पॉजिटिव रिजल्ट्स आते दिखे, देन आई अंडरस्टूड कि दिस कैन बी यूज्ड बाय अस आल्सो। क्योंकि बिना इसको टेस्ट किए आई नेवर वांटेड टू ब्रिंग इट फोर्थ, सो दैट इज व्हाई इट टुक सम टाइम। टैरो से ये डिफरेंट कैसे है इन टर्म्स ऑफ द कार्ड पिक्चर्स, इन टर्म्स ऑफ द सिंबॉलिक लैंग्वेज, हम इससे कैसे चीजें प्रिडिक्ट करेंगे, दिस विल लर्न इन कोर्स ऑफ टाइम। कार्टोमेंसी कैन बी यूज्ड इन वेरियस स्फीयर्स ऑफ लाइफ, डिटेल्ड एनालिसिस आपको मिल जाता है, और वो भी आपको ये चारों सूट्स जो चार कलर्स के पत्ते होते हैं इन्हीं से आपको सब पता चलता है। फिर यू ऑल्सो लर्न टू प्रिडिक्ट स्पेसिफिक टू टाइम। अब ये सवाल बहुत बार आता था मेरे सामने कि मैम टैरो में स्पेसिफिक टाइम प्रिडिक्शन हम कैसे करें। तो टाइम प्रिडिक्शन पे भी वाइल वर्क मैम पॉज हो गया है। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कार्टोमेंसी में भी कई चीजें ऐसी थी कि टाइम प्रिडिक्शन की जब बात आती थी तो टाइम प्रिडिक्शन वाज पॉसिबल। आई वुड रिक्वेस्ट मोहन सक्सेना जी, एक्चुअली पावर कट की वजह से आप होस्ट हो गए हैं, आप प्लीज मुझे होस्ट बना दीजिए जिससे कि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। मोहन सक्सेना जी आप सुन पा रहे हैं? जी मैडम, सुन पा रहा हूँ लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करना है मुझे। सर आप होस्ट हो गए हैं है ना, देखो, तो आप हाँ जी, पार्टिसिपेंट्स में जाके आप किसी को होस्ट बना सकते हैं, तो वहां पे मेरा नाम रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, आप मुझे होस्ट बना दीजिए। ये मैं इसमें पार्टिसिपेंट में गया। ठीक है, अब इसमें शिल्पी शर्मा हम बता रहे इसमें हैं ना। हाँ जी हाँ जी, अब इसके बाद क्या करना है? इसमें आ रहा म्यूट, सर स्टॉप वीडियो चैट, स्पॉटलाइट। इसमें आप देखेंगे तीन डॉट्स आ रही होंगी सर। नहीं, डॉट तो नहीं आ रही मैडम। तीन चार इतनी चीजें लिखी है इसमें, म्यूट, स्टॉप वीडियो चैट, स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन, मेक होस्ट, मेक मेक कोस्ट। होस्ट, मेक होस्ट, ठीक है, ओके, देखिए ओके okay. होगा। हाँ जी, धन्यवाद सर, थैंक ओके, थैंक यू। यू सर, ओके। सो नाउ कमिंग बैक, जो हम डिस्कशन कर रहे थे कि जब हम इस पर्टिकुलर चीज में जाते हैं, जब हम कार्टोमेंसी सीखते हैं, तो स्पेसिफिक टाइम रिलेटेड जो प्रिडिक्शंस हैं वो करना हमारे लिए आसान हो जाता है।
राइट। नाउ कमिंग टू व्हाट नेक्स्ट आर वी गोइंग टू कवर ड्यूरिंग दिस कोर्स। अपने कार्ड्स को जानेंगे। कार्ड्स को जानने का मतलब है, आपको भी पता है कि चार अलग अलग रंग के सूट्स होते हैं, अलग अलग सिंबल्स के। आप लोगों ने ये सिंबल्स पढ़े होंगे वैसे तो, और प्लेइंग कार्ड्स में खेला भी होगा। दीज आर द फोर डिफरेंट सिंबल्स। आप देखेंगे स्पेड है, हार्ट है, डायमंड है और क्लब है। ये चार सिंबल्स होते हैं अलग अलग। तो इन अलग अलग सिंबल्स को जानना, हर कार्ड को जानना कि अगर फेस कार्ड है तो उसकी रीडिंग क्या है, वो क्या इम्प्लाई करता है। अगर एस कार्ड है यानी कि एक का है तो उसको हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, जोकर को कैसे करेंगे। फिर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हर कार्ड का कि वो एक रीडिंग में आ जाए तो आप कैसे करेंगे। फिर एक इजी मेथड आपको बताया जाता है जिससे कि आप इन कार्ड्स को याद रख सके बिना किसी दिक्कत के। एंड देन नेक्स्ट इज अलग अलग स्प्रेड्स। अब देखिए आपने कार्ड्स के मतलब समझ लिए, आपने उसका सिग्निफिकेंस समझ लिया। अब हमें आगे बढ़ना है रीडिंग में। रीडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए येस और नो क्वेश्चन अगर निकालना हो तो बहुत सिंपल होता है। मैं फटाफट कार्ड शफल करूंगी और उसमें से मैं एक कार्ड निकालूंगी, एंड डिपेंडिंग ऑन द सिंबल आई वुड से कि येस है या नो है, राइट। फिर उसके अलावा आते हैं स्प्रेड्स, और आजकल तो बहुत सारी ऐसी रीडिंग्स आती हैं कि रिलेशनशिप में क्या होगा, ये डिसीजन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, करियर में कैसे जाना चाहिए। तो ऐसे में जब आप स्पेशली ट्रैवल कर रहे हैं कहीं, क्योंकि देखिए टैरो डेक को मेंटेन करना इज अ डिफरेंट प्रोसेस, और प्लेइंग कार्ड्स को आप इजिली कैरी कर सकते हैं क्योंकि प्लेइंग कार्ड्स के साथ क्या होता है कि वो बहुत इजिली कहीं पे भी आप कैरी कर सकते हैं, छोटा साइज है, इजिली फिट हो जाते हैं, तो कैरी करना आसान है। और फिर इसको आप कहीं पे भी स्प्रेड करके आप रीडिंग कर सकते हैं। अब इसमें डिसीजन मेकिंग स्प्रेड हो गया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हो गया। फिर इसके साथ अलग अलग केस स्टडीज के माध्यम से हम जानेंगे कि ये स्प्रेड्स का क्या रिजल्ट निकलता है। और प्रैक्टिकल सेशंस में जितने भी टैरो के प्रैक्टिकल सेशंस होते हैं उसमें जनरली जो आप लोग होते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो एक दूसरे के लिए रीडिंग करते हैं लाइव सेशन में। तो वो क्या है, आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस देता है, आपको वो कॉन्फिडेंस देता है क्योंकि आप सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं, और यहाँ पे कोई एक दूसरे को कॉम्पीट नहीं कर रहा, कोई सुपीरियोरिटी नहीं झाड़ रहा है। तो आप लोगों का एनर्जी एक्सचेंज भी हो जाता है, और दूसरा आप लोग रीडिंग पे भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। सो दैट इज वन थिंग विच इज वेरी इफेक्टिव। फिर इसके रूल्स क्या है, देखिए हर विद्या के कुछ ना कुछ नियम होते हैं, इसके भी है, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप अपने कार्ड्स को कैसे क्लेंस करेंगे, कैसे चार्ज करेंगे, और फिर रेमेडीज क्या क्या होंगी, आप अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे कार्टोमेंसी के माध्यम से, जब हम इन कार्ड्स के बारे में सीखेंगे। ये थे कि हम इस सेशन में क्या क्या सीखेंगे, हम इस जर्नी में इनफैक्ट क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे। अब अगर हम बात करें बहुत सिंपल चीज की, कि अभी मैंने एक टर्म यूज की, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा जब आप लोग एक दूसरे की रीडिंग करेंगे। एनर्जी एक्सचेंज होता क्या है कि हम क्योंकि अपनी ऊर्जा यूज करते हैं, अपनी एनर्जी को यूज करते हैं किसी के लिए रीडिंग करने में, तो उसके लिए क्योंकि हम इस फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता है। एक बहुत सिंपल सा आपको एग्जाम्पल दूंगी, आप निकलते हैं, सपोज आप कहीं वॉक कर रहे हैं, कोई सामने वाला आपको स्माइल करता है, आप भी पलट के स्माइल करते हैं, यू आर एक्सचेंजिंग दैट जेस्चर।
इमोशंस एक्सचेंज करते हैं, जेस्चर एक्सचेंज करते हैं, उसी प्रकार से अगर कोई आपके लिए कोई श्रम करता है तो आप उसको श्रमिक देते हैं या उसको उसके एक्सचेंज में कुछ देते हैं। सिमिलरली जब हम किसी के लिए रीडिंग करते हैं तो इसको या तो हम मॉनेटरी फॉर्म में ले सकते हैं या फिर आप अपनी रीडिंग के लिए उनसे कोई काम करवा सकते हैं या आप उनसे कोई चीज ले सकते हैं। जैसे कई लोग चॉकलेट्स ले लेते हैं, कई लोग कुछ ले लेते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप रीडिंग के लिए क्या लेते हैं। कभी भी रीडिंग विदाउट एक्सचेंज नहीं करनी चाहिए। उसका मेन रीजन ये है कि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो एक कार्मिक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, और क्योंकि हम इस फिजिकल वर्ल्ड में हैं तो ये बॉन्ड कहीं ना कहीं हमें वापस फिर कनेक्ट करता है, तो हम इस बॉन्ड को उसी समय पे करके उतार देते हैं कि हम इसे आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, तो इसलिए हम एनर्जी एक्सचेंज जरूर लेते हैं, राइट? तो ये तो थे वो टॉपिक्स जो हम इसमें कवर करने वाले हैं, जो आप लोग सीखेंगे। वॉइस क्या क्लियर नहीं है? मनाली क्लियर जी है ने मैम, क्लियर लिखा है, ओके। है वॉइस। मनाली जी, आई गेस यू नीड टू चेक द हेलो कनेक्शन। हेलो, माय ऑडिबल? हाँ जी, ओके, एक्चुअली मैम क्या हो रहा है ना, व्हेनेवर आई एम कनेक्टिंग माय हेडफोन्स, द वॉइस इज, आई कांट हियर एनीथिंग, बट व्हेन आई एम रिमूविंग माय हेडफोन्स सो द वॉइस इज क्लियर ऑन द लैपटॉप। ओके, देन देयर मे बी सम ग्लिच इन द कनेक्शन और मे बी द टेक्नोलॉजी, राइट? यस, ओके ऑडियो मैम, नो सेटिंग्स में जाके चेंज कर वरीज। लीजिए आप। ऑडियो यस सेटिंग्स में आप यस यस, माइक्रोफोन चेंज कर लीजिए। फॉर श्योर, या थैंक यू। ओके ओके ओके, ओके। सो नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट वॉट वी आर गोइंग टू कवर, लेट्स मूव अ स्टेप अहेड। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि कार्टोमेंसी एक्चुअली है क्या, राइट? कार्टोमेंसी एक प्रैक्टिस है जहां हम डेक यूज करते हैं कार्ड्स के टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर और टेल फॉर्च्यून्स, और इन प्रैक्टिशनर्स को कार्टोमेंसर्स कहा जाता है। कार्ड रीडर्स या रीडर्स भी बोला जाता है। ज्यादातर कार्ड रीडर्स और रीडर्स आजकल टैरो कार्ड से ज्यादा एसोसिएटेड है। जो लोग कार्टोमेंसी करते हैं उनको कार्टोमेंसर्स कहा जा रहा है, और ऐसा माना जाता है कि ये यूरोप में पहले ओरिजिनेट हुआ था 14th सेंचुरी में, और प्लेइंग कार्ड्स इंट्रोड्यूस होने के बाद। कुछ ट्रेसेस ऐसे भी मिले हैं, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था, दैट वाज द वेरी फर्स्ट रेवोल्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ एंटायर वर्ल्ड, जब फ्रांस के लोगों ने मोनार्की के अगेंस्ट आवाज उठाई थी। ये जो हम बड़े बड़े टर्म्स आज की डेट में यूज करते हैं, डेमोक्रेसी है, के इक्वालिटी है, लिबर्टी है, ये सारे बड़े बड़े टर्म्स एक्चुअली फ्रेंच रेवोल्यूशन और रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पायर्ड हैं। सबसे पहले ये रेवोल्यूशन फ्रांस में हुआ था, और उस दौरान रीडर्स ये प्लेइंग कार्ड्स को यूज करते थे प्रिडिक्ट करने के लिए चीजें। कार्टोमेंसी इट इज यूजिंग स्टैंडर्ड प्लेइंग कार्ड्स। ये सबसे पुराना और सबसे कॉमन मेथड था फॉर प्रोवाइडिंग फॉर्च्यून टेलिंग, किसी के बारे में बताना, कुछ फ्यूचर बताना, और ये कंटिन्यूड रहा 18th, 19th, 20th सेंचुरी तक। अब ये इसमें डेक कौन सा यूज होता है, जो स्टैंडर्ड हमारा 52 कार्ड्स वाला डेक होता है। तो जो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम टैरो डेक्स आर वेरी एक्सपेंसिव, और कुछ लोग इसलिए स्केप्टिकल होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर हमने डेक खरीद लिया और हम ढंग से यूज नहीं कर पाए तो वेस्ट हो जाएगा। तो आप बिना डरे प्लेइंग कार्ड्स पे पहले यूज कीजिए, और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए यू कैन मूव अहेड विथ हायर सिंबोलिज्म,
यूजिंग टैरो डेक, राइट। और इसमें क्या है, 52 कार्ड्स का जो डेक हम यूज करते हैं, इसको हम जोकर के साथ या जो ब्लैंक कार्ड आता है उसके साथ भी हम यूज करते हैं। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानें, तो ऐसा माना जाता है कि प्लेइंग कार्ड्स डिविनेटरी पर्पसेस के लिए यूज किए जाते थे। उस टाइम पे भी साइकिक पावर्स लोगों में थी और लोग इसे अद्भुत शक्तियों के रूप में पहचानते थे। तो उनके लिए क्या रहता था कि जैसे प्राचीन समय के लोग क्या करते थे, वो नेचर के फोर्सेस को देख के एकदम हैरान हो जाते थे कि अगर अग्नि प्रज्वलित हो गई तो उन्हें लगा ये कहाँ से हुई, क्योंकि उसके पीछे की साइंस वो नहीं समझ पाते थे। तो उन्हें लगता था ये कोई करिश्मा है, कोई चमत्कार है, और वो उसकी पूजा करने लग जाते थे, उसको डिवाइन का दर्जा दे दिया जाता था। फिर बाद में धीरे धीरे जब चीजें डिस्कवर होती गई, जब सेटलमेंट्स हुए, उसके बाद भी कुछ चीजों को टिल डेट हम लोग डिवाइन मानते हैं। जैसे जो पंच महाभूत है जिनसे हमारा शरीर बना है, ये निर्माण हुआ है सारा, इनको हम आज भी पूजते हैं, जिसमें अग्नि भी एक है। सो एट दैट टाइम ऑल्सो इट वॉज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी डिवाइन थिंग। एंड इसके लिए कोई इनफॉर्मल वर्ड तब भी नहीं मिल पा रहा था, तो वहां पे लोग क्या बोलते थे, इसको पहले कार्टोनोमेंसी बोलते थे। वो बहुत लंबा एक टर्म हो गया। इनफैक्ट जब मैंने ये भी डाला था कार्टोमेंसी, तो कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया कि कोई सिंपल नाम नहीं है क्या इस विद्या का, तो एक्चुअली नहीं है। टैरो अलग साइंस हो जाती है और कार्टोमेंसी इज टोटली डिफरेंट। अभी जैसे जैसे आप सीखेंगे, हम में से कई ऐसे हैं जो टैरो बैकग्राउंड से जुड़े हैं, हम खुद इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। कार्टोमेंसी प्रैक्टिशनर्स और लोगों को अपनी ओर खींचता रहा। फ्रेंच रेवल्यूशन के दौरान तो ये बहुत बढ़ गया था, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत हलचल थी कि अब क्या होगा, क्योंकि उस समय मोनार्की सिस्टम इतना प्रेवलेंट था और लोगों पे टैक्सेस का बर्डन बढ़ता जाता था, तो उन्हें लगता था कि कुछ नया हो जाए, गवर्नमेंट ऐसी बने जो हमारे रिप्रेजेंटेशन से बने। जिस स्थिति में आज हम जी रहे हैं, वो उन सारे रेवल्यूशंस का ही प्रमाण है कि हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो तब से ये विद्या यूज होती आ रही है, और ये टाइम टू टाइम अलग अलग जगह पे यूज होती रही। अब क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर का एक बहुत ही प्राचीन हिस्सा था, तो इसको इंडिया में इवॉल्व होते होते थोड़ा सा समय लगा। जैसे टैरो को भी समय लगा, इसको भी थोड़ा समय लगा। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि अगर टैरो और ये मिलता जुलता है, तो हमें ये क्यों सीखना है। सो अ सिंपल कंपैरेटिव स्टडी। देखिए, टैरो की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे डेक्स तो मेरे खुद के पास है जिन्हें मैं प्रैक्टिस करती हूँ, सिखाती हूँ, बट ये सिखाते हुए वो जील अलग होता है। टैरो में उतना इनडेप्थ स्टडी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने ये टीनेजर्स को सिखाया अभी, हु वर स्टूडेंट्स, दे वर वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स लर्निंग इट। तो उन्होंने कहा अभी आप हमें कुछ ऐसा सिखाओ कि हमारे लिए पॉकेट फ्रेंडली भी हो और हम इसको और ज्यादा अपनी साइकिक एबिलिटीज को डेवलप कर पाए। सो वी वेंट इन फॉर दिस, एंड द प्रिडिक्शंस दैट वर मेड बाय देम, आप अगर देखते तो आप खुद हैरान हो जाते। बहुत ही अच्छे प्रिडिक्शंस किए उन बच्चों ने। कार्टोमेंसी और टैरो दोनों ही डिविनेशन टूल्स हैं, फॉर्च्यून टेलिंग के लिए यूज होते हैं, बट देर आर सम डिफरेंसेस इन देम। सबसे पहली चीज कार्ड टाइप का डिफरेंस है। टैरो कार्ड्स जो है वो प्लेइंग कार्ड्स जैसे पूरी तरह नहीं है, दे आर स्लाइटली डिफरेंट ओइंग टू द सिम्बॉलिक लैंग्वेज एंड द कलर कोड्स दैट दे यूज, एंड दे आर मेड अप ऑफ टू डिफरेंट सेट्स। वन इज द मेजर आर्काना एंड द अदर इज द माइनर आर्काना। जहां पे मेजर आर्काना आपकी लाइफ के मेजर इवेंट्स को डिफाइन करता है, तो माइनर आर्काना उसके कारक तत्वों को डिफाइन करता है कि किस वजह से ऐसा हुआ है। जल तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, या पृथ्वी तत्व है। तो ये
इसके बेसिकली कार्ड टाइप में ही डिफरेंस आ जाता है। अगर मैं प्लेइंग कार्ड्स लेती हूँ, प्लेइंग कार्ड्स में भी इन तत्वों की डेफिनेशन है और प्लेइंग कार्ड्स भी इन्हें डिफाइन करते हैं। लेकिन और अगर हम डिटेल्ड में जाए, बहुत डिटेल स्टडी में, तो टैरो हैज एन अपर एज। वहां 78 कार्ड्स है, यहाँ 52 कार्ड्स है। टैरो कार्ड्स दे वर इन्वेंटेड इन इटली इन 1430, और ये बेसिस प्लेइंग कार्ड से ही फॉर्म करते हैं। लोगों के हाथ में प्लेइंग कार्ड्स देख के उसी का एनहांस्ड वर्जन बनता गया, काफी सिंबल्स बनते गए और काफी हैवी एनर्जीज भी आती गई साथ साथ। पर्पस अगर देखें तो टैरो आपके सेल्फ रिफ्लेक्शन और केयर के लिए भी यूज होता है। लोगों को हेल्प तो करना ही है, उसके अलावा खुद की रिफ्लेक्शन, जीवन के प्रति अपना नजरिया बदलना है अगर आपने, तो आप इस टूल को यूज करके देखिए। आपका नजरिया चेंज हो जाएगा, एनर्जी सिस्टम चेंज हो जाएगा। और प्लेइंग कार्ड्स का क्या है, क्योंकि लैंग्वेज दो इट इज सिंबॉलिक बट वेरी इजी, छोटे बच्चे भी इजिली कर सकते हैं इसको, तो इसलिए वी फाइंड इट इजिली कम्युनिकेबल कि आप किसी को भी बता सकें, किसी को भी सिखा सकें। अगर हम प्रैक्टिशनर्स की बात करें तो जो कार्टोमेंसी प्रैक्टिस करते हैं उन्हें हम कार्टोमेंसर्स बोलते हैं, और जो लोग टैरो रीडिंग प्रैक्टिस करते हैं उन्हें हम रीडर्स बोलते हैं, या कार्ड रीडर्स या टैरो रीडर्स, ऐसे करके उन्हें डिफाइन करते हैं। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं अगर आप दोनों टर्म्स को देखें और समझें। अब इसके बाद अगर हम थोड़ा सा और इन डेप्थ जाएं इसी में कि ये कार्ड्स हमें क्या सिखाते हैं, हमें कौन से तत्व के बारे में बताते हैं, तो बहुत सिंपल सी चीज है। फिर आ जाएगा कि आप यस और नो किससे करेंगे। भाई एक होता है कि अगर आपको यस और नो क्वेश्चन निकालना है तो आप कैसे करेंगे, कौन सा कार्ड किसके लिए स्टैंड करता है। अगर मैं कहूं कि अलग अलग सिंबल्स हैं इसमें भी, तो सिंबल्स किसके लिए स्टैंड करते हैं। तो एक छोटी सी चीज करते हैं कि पहले हम ये जानते हैं कि यस और नो का आंसर हम इसमें कैसे देते हैं। तो इसमें बहुत सिंपल है, जितने भी रेड कलर के कार्ड्स हैं, दैट इज डायमंड और हार्ट कार्ड, ये रहा, ये देखिए, डायमंड कार्ड और हार्ट कार्ड, रेड कलर के जितने भी कार्ड्स हैं दे स्टैंड फॉर अ यस, और जितने भी ब्लैक कार्ड्स हैं दैट इज स्पेड और क्लब कार्ड्स, इनको हम नो या नेगेटिव आंसर के लिए लेते हैं। तो बहुत सिंपल हो गया कि यस किस लिए है और नो किस लिए है। अब आप टैरो में करते तो टैरो में वो फिर आप देखते हैं खुद ही, कंपेयर करके भी अगर आप देखेंगे तो वॉन्ड्स आए तो इमिजिएट यस है, ठीक है, कप्स आ जाए तो थोड़ा सा डिले है, काम हो जाएगा, कॉइन्स आए तो पैसा लगेगा, काम हो जाएगा, और स्वॉर्ड्स आए तो नो है, और उसमें भी कुछ कुछ कार्ड्स एक्सेप्शन की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे ये चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाइड हैं, इसीलिए हम इसके बारे में जान रहे हैं आज, राइट। अब जैसा कि हमने सिंबल्स के बारे में बात की, अगर मैं बात करूं हार्ट कार्ड के बारे में, तो चलिए आपसे पूछते हैं कि अगर हम हार्ट कार्ड्स की ही केवल बात करें तो वो क्या डिपिक्ट करते होंगे। हार्ट अपने आप में एक सिंबल है, क्या डिपिक्ट करते होंगे। इमोशन, इमोशन चीज को बिल्कुल, रिलेशनशिप हार्ट आप देखिए, रिलेशंस यस प्यार सर, को गुड इवनिंग या सर, हार्ट कार्ड रिप्रेजेंट्स इमोशंस, फीलिंग्स, रिलेशनशिप्स, फैमिली कनेक्शंस और लव, कंपैशन, हीलिंग, ये सब हार्ट कार्ड में आता है। अब अगर हम बात करें स्पेड, तो स्पेड में क्या है कि वो हार्ट तो बना है लेकिन उसके नीचे वो एक तो ब्लैक कलर में बन गया
और नीचे उसके आप देखते हैं अलग सी वो स्टिक टाइप की है, हुकुम जिसे आप बोलते हैं, राइट? तो स्पेड कार्ड में ऐसा क्या है? अब क्योंकि हार्ट इमोशन है, रेड कलर इज इमोशन, सो ब्लैक कलर वुड बिकम चैलेंजेस, इमोशनल चैलेंजेस। रेड कलर अगर आपके रिलेशनशिप है, लव है, तो स्पेड कार्ड क्या हो जाएगा? फाइट्स, झगड़े। चीटिंग, चीटिंग और भी होगा मैम ना? आपका मेंटल टेंशंस को रिप्रेजेंट, यस, तरीके से अगर आप इन कार्ड्स के सिंबल्स को समझेंगे तो आपके लिए कार्ड्स को समझ पाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान हो जाएगा, राइट? अब उसके अलावा हम देखते हैं, जैसे डायमंड कार्ड है, रेड कलर का कार्ड है, ऑब्वियसली यस कार्ड है। अब डायमंड क्या है? डायमंड तो हम अपनी आत्मा का कारक नहीं मान सकते उसे, है ना? डायमंड क्या है? इस फिजिकल वर्ल्ड से उत्पन्न हुआ एक मिनरल है जो यहीं पे रह जाएगा। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा? मटेरियल थिंग्स, मटेरियल चीजों को इन अ पॉजिटिव वे, सो इट विल रिप्रेजेंट वेल्थ, मटेरियल वर्ल्ड, फाइनेंस, हेल्थ, लग्जरी, करियर, प्रॉपर्टी। तो जितनी भी फिजिकल चीजें आपके आसपास हैं जिनसे रिलेटेड आपके पास रीडिंग्स आती हैं, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं कि अच्छा, डायमंड कार्ड आया, इसका मतलब ये होना है। हालांकि अभी उसमें जब अटैच हो जाएंगे नंबर्स या वो जे के क्यू वगैरह, तो हम उसके मीनिंग्स को और इन डेप्थ ले जाएंगे, मैम डायमंड लेकिन का अभी कार्ड ना इस पॉइंट ऑफ, डिजायर्स को भी शो करता है। फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड डिजायर्स और मैनिफेस्टेशन का कार्ड है डायमंड का। डायमंड के कार्ड में देखिए डिजायर्स होंगे, लेकिन वो फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड हाँ, अर्थली डिजायर्स होंगे। मटेरियलिस्टिक लग्जरी हाँ, डिजायर्स। वो सारे मटेरियलिस्टिक डिजायर्स होंगे। अगर यही हार्ट कार्ड आएगा तो हार्ट कार्ड में क्या है? इमोशनल डिजायर्स आ जाएंगे, मटेरियलिस्टिक नहीं रहेगा हाँ वो फिर। अब इसी के बाद अगर हम क्लब कार्ड को देखें, तो क्लब कार्ड में क्या है? दो इट सेज इट इज अ नो कार्ड, लेकिन उसमें है क्या कि तीन अलग अलग चीजें बनी हुई, मतलब तीन अलग, इट इज अ ट्री काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर, है ना? जिसमें अगर आप देखेंगे कि एक स्टिक है और एक ट्री जैसा, ये देखिए तीन अलग अलग डॉट्स हैं जो जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे ये किस चीज को डिपेक्ट कर रहा है? और इसमें बीच में ये जो बड़ा हुआ है, बीच का पोर्शन ऊपर उठा हुआ होता है, दिस सिंबलाइजेस ग्रोथ, प्रैक्टिकल अप्रोच, एक ऐसी एनर्जी जो ग्रो करना चाहती है, प्रैक्टिकली आगे बढ़ना चाहती है, उसको डिपेक्ट करता है क्लब कार्ड। आप खुद सोचिए कि अभी एक छोटा सा जिस्ट है इन सब कार्ड्स का आप, लेकिन ऐसे समझिए कि इन कार्ड्स को आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। आपके सामने जब ये कार्ड्स आएंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, अच्छा ये कार्ड आ रहा है तो ये इमोशंस का है, ये कार्ड आ रहा है तो ये ऑब्स्टिकल्स फाइट्स का कार्ड हो सकता है, डायमंड कार्ड आ रहा है मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स का कार्ड है, क्लब कार्ड आ रहा है यानी कि प्रैक्टिकल अप्रोच है और ग्रोथ है इस एरिया में। तो ये चीजें और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम इस जर्नी के दौरान करने वाले हैं। नाउ आई विल जस्ट गिव यू अ जिस्ट ऑफ द कोर्स। थैंक यू बीना जी। यस, इट साउंड्स टू बी इंटरेस्टिंग, इनफैक्ट काफी इंटरेस्टिंग है ये, मतलब ये ऐसी चीज है जो सिखाने में भी मजा आता है और सीखने में भी। सो एज फार एज द कोर्स डिटेल्स इज कंसर्न,
वील जस्ट हैव अ रिकैप ऑफ इट। कंटेंट में आप साइकिक एबिलिटी से रिलेटेड सब कुछ जानेंगे, कैसे आपको एनहांस करनी है अपने इंट्यूटिव पावर्स को, थोड़े बहुत मेडिटेशंस भी होंगे टू एनहांस इट। फिर उसके अलावा आप कार्ड्स को समझेंगे, इसके इंटरप्रिटेशन को समझेंगे, रूल्स को समझेंगे, स्प्रेड्स को समझेंगे, इनवॉइस और बहुत ट्रैक हो रहा है कैसे मैम, आप इन क्राइटेरिया के जरिए इनवॉइस नहीं आ अपने रहा। पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस विल बी इन द ये जर्नी की स्टार्ट 7th ऑफ अक्टूबर, एंड दिस लैग हो रहा है। वेट, लेट हाँ मी स्विच कनेक्ट प्लीज। ओके, अभी सुन पा रहे हैं आप लोग? हाँ मैम जी मैम, हाँ मैम दोबारा वो जो यस चीज मैम। बता देना, कुछ भी सुनाई नहीं दिया। हाँ, अभी वो मैं बता देती हूँ आपको। जी ये आई रिक्वेस्ट जेएल जी, आप होस्ट हो गए, आप प्लीज मुझे होस्ट बना दीजिए सो दैट आई कैन शेयर द स्क्रीन। जेएल जी, आप सुन पा रहे हैं? थैंक यू सो मैम, मच। कैसे चेंज हो रहा है हाँ जी, एक्चुअली ये होस्ट, कैसे चेंज हो जा रहा है? जब डिस्कनेक्ट होते हैं ना, तो उसके बाद हाँ, जो भी अब लग आएगा रहा है वो बात बाय होकर डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली होस्ट। किसी को होस्ट पकड़ ले रहे हाँ हैं क्या? जी, ओके। सो एज आई वाज सेइंग के अबाउट द जर्नी, दैट दिस जर्नी वी आर गोइंग टू बिगिन फ्रॉम 7th ऑफ अक्टूबर। वी आर गोइंग टू बिगिन विद द कोर्स फ्रॉम 7th ऑफ अक्टूबर। ये 2 मंथ्स की जर्नी रहेगी। टाइमिंग्स वुड बी द सेम, मंडे एंड वेंसडे शाम को 4:30 बजे। लाइव क्लासेस और आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, जिसका एक्सेस आपके पास रहेगा 2 साल से ज्यादा के लिए। डाउट क्लियरिंग सेशन सारे रहते हैं, आपको मिलते हैं। देन एकेडमी मेंबरशिप यू डू गेट, स्टडी नोट्स आपको मिलता है, और कंप्लीट करने के बाद आपको एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिलता है फ्रॉम द एकेडमी, विच इज इशूड इन अ डिजिटल फॉर्म। नाउ कमिंग टू द फीस डिटेल्स, तो ये आप लोगों की स्क्रीन पे फ्लैश किया मैंने। फी डिटेल्स ये है, जो एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए फी डिटेल्स दिए हैं, और नए पार्टिसिपेंट्स के लिए भी फॉर द एंटायर कोर्स। और इस पे नंबर्स भी दिए हैं कि कहाँ आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है सो दैट यू कैन बी एडेड ऑन, राइट? आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें सो दैट यू हैव, कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो, आपको ऐप में दिक्कत है, कुछ है, तो ये जो नंबर्स आपके फ्लैश हो रहे हैं ये हमारी एडमिन टीम के नंबर्स हैं, एंड ट्रस्ट मी दे आर वेरी हेल्पफुल। आपको दिक्कत आ रही है ऐप से रिलेटेड, आपको वीडियोस नहीं शो हो रहे हैं, दे विल हेल्प यू थ्रू द जर्नी वेरी इजीली। मैडम, गुड यस सर, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? इवनिंग। फाइन मैडम, हाउ आर यू मैडम? आई एम डूइंग गुड, हाउ इज योर हेल्थ नाउ सर?
वो अप एंड डाउन तो मैडम लगा ही रहता है। अभी मैं फिजियोथेरेपी एवरी डे आई एम अटेंडिंग बिकॉज आई हैव लॉस्ट द बैलेंस ड्यू टू डायबिटिक न्यूरोपैथी, सो एवरी इवनिंग आई एम गोइंग फॉर फिजियोथेरेपी। मैडम आई वॉन्टेड टू आस्क, इट इज फॉर द एंटायर 2 मंथ ड्यूरेशन, राइट? राइट सर, फॉर एंटायर 2 मंथ ओके ड्यूरेशन। ओके ओके फाइन, थैंक यू मैडम, थैंक यू। ओके सर। मैम टाइमिंग्स क्या होंगी? टाइमिंग 4:30 बजे, यही टाइमिंग रहेंगे मंडे और वेंसडे को शाम के 4:30 बजे। ओके मैम। मैम जो कट से प्ले करते, मैम डिस्कनेक्टेड हो गए। हाँ जी, मैम जो कट से प्ले करते हैं ना, कार्ड्स प्ले होता है, वो कट खरीदना है क्या? हाँ वो वाले कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स लेना है, राइट? ओके, प्लेइंग कार्ड्स रहेगा। हाँ ओके। कोई स्पेसिफिक नहीं ब्रांड ऐसा होता है क्या? क्या एनी? नहीं यू कैन टेक एज पर योर चॉइस, आप कोई भी ओके प्लेइंग कार्ड्स ले सकते हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले लीजिए, राइट? ओके। मैम मैं अभी हाँ अभी ज्वाइन किया हूँ। आई मिस द क्लास मैम, योर क्लास। एक्चुअली आई लर्न टैरट, बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैरट एंड कार्टोमेंसी? लाइक कार्टोमेंसी इज बेटर देन टैरट? सी इफ आई कंपेयर बोथ, बोथ आर डिफरेंट साइंसेस बट बोथ आर रिलेटेड टू प्रिडिक्शंस। ओके कार्टोमेंसी इफ आई टॉक अबाउट, इट केम अप मैम, आई थिंक यू वेंट ऑन म्यूट। हेलो हेलो, आई गेस इट्स अ नेटवर्क इशू, हर वॉइस इज नॉट कमिंग एंड शी इज स्टेबल। ओके या देर इज इशू ऑफ वॉइस। सो दोज हु आर जॉइंट फ्रॉम द स्टार्ट, आई ऑल्सो जॉइंट जस्ट नाउ। इट इज नॉट अ टैरो कार्ड्स, इट्स अ नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स। या यस, नॉर्मल प्लेइंग कार्ड। ओके मनाली, आर यू लुकिंग फॉर जॉब? ओके सो एज रिगार्ड्स टू कार्टोमेंसी, इफ आई टॉक अबाउट कार्टोमेंसी इज डिफरेंट साइंस, एंड आपको क्योंकि आप अटेंड नहीं कर पाए तो यू कैन गो थ्रू द रिकॉर्डिंग वंस, क्योंकि रिकॉर्डिंग में एक इंट्रोडक्शन दिया है, कुछ चीजें बताई हैं, होपफुली दे'ल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कार्टोमेंसी एंड व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस जर्नी, ओके राइट? ओके मैम। एंड जेएलजी अगेन यू आर द होस्ट। मैम वन मोर डाउट, फॉर पीपल हु हैव टेकन टैरट ऑलरेडी, डू यू रिकमेंड डूइंग कार्टोमेंसी आल्सो? लाइक दो दे आर डिफरेंट बट सी इट इट्स इज पर्सनली लाइक आई एम इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेक्स, सो ओके। फॉर मी इट इज अ पैशन बेसिकली, लाइक आई मेंशन्ड तविशा जी इज ऑल्सो देयर इन आवर सेशन। तविशा जी ऑल्सो स्टार्टेड विद टैरो एंड डिफरेंट डेक्स ऑफ टैरो, एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग हर इन दिस सेशन ऑल्सो एंड शी इज हियर, ओके सो इट इज अ थिंग दैट कॉल्स यू। हम लोग सोचते हैं दैट वीव मेड दिस चॉइस, बट नो वी डोंट मेक दिस चॉइस, द चॉइसेस आर ऑलरेडी मेड, मैम, वी आपको जस्ट सच्ची बात बताऊं, मैं कार्टोमेंसी मैंने पिछले साल ही अपने आप ही सीखी थी। तो मैं उस पे भी, मैंने कार्टोमेंसी के 3-4 डेक भी खरीदे हुए हैं। क्योंकि मेरे को ये पता था कि आपको डेक्स का बहुत शौक है, आप अलग अलग डेक्स से मेरे रीडिंग करते हैं। पास कम से कम अब 200 डेक हो चुके हैं, जिसमें मैंने खुद के बनाए हुए अलग 12-13 डेक हाँ हैं। कार्टोमेंसी तो प्लेइंग कार्ड्स है ना? आप 3-4 अलग अलग, सभी प्लेइंग कार्ड्स ही है ना? ऑटोमेंसी से रिलेटेड भी बहुत सारे डेक आते हैं। मैंने तो अच्छा गोल्डन, मतलब कलर में भी मैंने खरीदे हुए, एक पूरा हाँ गोल्डन है, एक पूरा सिल्वर है, और उसमें एक उसमें ऑटोमेंसी डेक में भी सिंबल्स और पिक्चर्स भी आजकल आ जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। ये है, आप जितना इन डेप्थ जाते जाएंगे उतना आपके पास चॉइसेस बढ़ते जाएंगे। ये जो हम कर रहे हैं दिस इज अ वेरी बेसिक डेक दैट वी आर डूइंग विथ प्लेइंग कार्ड्स, क्योंकि इसकी रिक्वेस्ट मेरे को बार बार आ रही थी कि मैम कुछ ऐसा आप लेके आइए जो सबके लिए एक लेमैन लेवल पे हो। अच्छा
सो दिस इज द बेसिक थिंग टू स्टार्ट अप विथ, और इसके बाद इसके बहुत सारे डेक्स हैं कार्टोमेंसी के, तो उसमें आपको जो अपीज करे, आपको अगर लाइनिंग वाले चाहिए या आपको अलग पिक्चर्स और कलर वाले चाहिए, जस्ट टू मेक थिंग्स फैंसी फॉर योरसेल्फ। But the basic course is this. If we learn यस this, we can do anything. एग्जैक्टली, लाइक आई ऑल्सो मेंशन द सेम फॉर राइडर वेट्स, दैट वंस यू हैव अ गुड हैंड ऑन राइडर वेट्स यू कैन प्रैक्टिस मोस्ट ऑफ द डेक्स। Okay. Okay, ma'am. Thank मैम you. इसमें यस प्रेडिक्शन मतलब टाइम प्रेडिक्शन छोड़ के आई थिंक यू ऑल्सो मेंशन दैट कोई पास्ट लाइफ इश्यूज है क्या, कर्मिक इश्यूज है क्या, वो भी फाइंड हो सकता है, राइट? कार्मिक इश्यूज इसमें, वो तो देखिए जब हम रीडिंग करते हैं वी एक्चुअली डिस्कवर एवरीथिंग व्हाट एवर इज ओके रिलेटेड टू इट, ओके ओके सो दैट तो वी ये कैन कार्टोमेंसी पे इजी। निकालते हैं मैम. हाँ जी निकालते हैं ओके मैम। सिर्फ सॉल्यूशंस के लिए टैरो देखते हैं, राइट? वी डू लुक फॉर सोल्यूशंस, बट सोल्यूशंस देखते देखते कई बार ही समझ में आ जाता है कि कुछ चीजें या कुछ बैगेज हम पीछे से कैरी कर रहे हैं, एंड दे ओके हैव ओके बीन एविडेंट केसेस दैट आप करंट लाइफ में जिस सिचुएशन में हो वो बैगेज पता लगा आपकी पास्ट लाइफ से आप कैरी कर रहे हो, सो इट इज हाई टाइम वेन यू बिकम अवेयर दैट यू नीड टू रिलीज इट, ओके राइट? ओके थैंक यू मैम. ओके प्रीति जी, मैम टाइमिंग जो है वो 4:30 टिल कितना रहेगा? देखिए यूजुअली फ्रॉम माय एंड आई माय स्पीकिंग टाइम और यू कैन से माय टाइम ऑफ डिलीवरिंग व्हाट एवर यू कैन ग्रास्प गोज अप टू 5:30, उसके बाद रहता है डाउट्स, सो ओके सो दैट इट्स इज हाउ इट अबाउट इज 4:30 to 5:30. अप्रोक्सीमेटली अगर आप मैक्सिमम भी लेके चले एक्सटेंड्स अप टू 6। ओके ओके एंड मैम अभी किसी ने पूछा था लाइक इट इज नॉट यूज फॉर प्रेडिक्शंस, ओनली फॉर यस एंड नो टाइप ऑफ क्वेश्चन, सो इट इज यूज्ड और फॉर प्रेडिक्शंस एज वेल। ओके ओके सो वट एवर क्या वी कैन टाइम डू। प्रेडिक्शन भी बताते हैं? टाइम प्रिडिक्शंस भी कर सकते हैं उनसे? हाँ जी टाइम प्रिडिक्शंस का भी है इसमें, एंड अभी जैसा कि मैं बता रही थी कि मैंने खुद अभी कुछ टीनेजर्स को सिखाया है, एंड एक तो लाइव केस अभी मेरे सामने कुछ दिनों पहले ही आया दैट उसके फैमिली मेंबर्स उसे डेली रीडिंग करवा रहे थे कि अच्छा हमें बताइए अब क्या होने वाला है, तो दैट चाइल्ड ऑल्सो ही गॉट इंटरेस्टेड, ही वॉज पुलिंग आउट कार्ड्स फॉर एवरीवन, सो वन डे ही जस्ट पुल्ड आउट अ कार्ड फॉर हिज फादर और ही वॉज लाइक कि आपकी जॉब का क्या सिनेरियो चल रहा है, एंड बाई इवन बाय आफ्टरनून वी केम टू नो दैट हिज फादर लॉस्ट द जॉब, सो देन अगेन ही डिड अ रीडिंग, ही जस्ट कॉल्ड अप ही सेड के ऐसे ऐसे करके प्रिडिक्शन में आया एंड माई फादर लॉस्ट द जॉब, सो आई जस्ट आस्क्ड हिम, आई सेड नाउ कनेक्ट टू द कार्ड्स अगेन एंड आस्क what is the financial status of your father or what would be the career perspective, so it was that he'll get a job very soon, within 4 days he got a job in other organization, so this is a recent case that came up. Kirti ji जैसे मैम हम राइडर वेट्स को चार्ज कर रहे हैं और उससे प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, तो इसमें भी सेम चार्ज करना रहेगा और प्रेडिक्शंस रहेंगी सब कुछ? देखिए कार्ड्स को क्लेंस करना और चार्ज करना मैंडेटरी होता है, आप कार्ड कोई भी यूज करें क्योंकि ओके कार्ड्स एनर्जी कम्युनिकेट करते हैं, तो उन्हें क्लेंस करना उन्हें सफाई से रखना ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके मैम राइट? ओके मैम हाँ जी के जी हेलो मैम कैसे हेलो, हो? कैसे बस बढ़िया, आप बताओ आप हो? कैसे? बस बढ़िया हूँ मैम. मैम इधर भी प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं इससे, हम हाँ जी प्रेडिक्शन इससे तो कर प्रेडिक्शन सकते हैं, सॉरी बहुत सारी सॉरी रेमेडीज भी कर सकते हैं क्या?
रेमेडीज के लिए आपको मैं खुद ही बताऊंगी कि कैसे हम रेमेडीज देते हैं, किस सिचुएशन में क्या रेमेडी देते हैं। ओके ओके मैम नहीं बता दीजिए, जितने तरह के कार्ड्स हो ना, मुझे बड़ा वो है, शौक है इनको खरीदने का। जैसे मैंने सुना ये है, तो मैंने कहा हाल के मैंने पहले ही इनरोल करा लिया, इनका बाद में तो होता रहेगा, वेबिनार में पहले इनरोल करा रही हूँ। नहीं ये वाले तो आप जरूर सीखिए, इससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा। और आपको एक चीज बताऊं, आपकी खुद की ऑरा में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी मैम, उस दिन आपने मुझे बताया था और मैं सॉल्ट वाटर से किया बात, उसके बाद बहुत बाद में रिलीफ मिला मुझे, मेरे इतना हेडेक था। और तो वाली में थे ना हम, जब हाँ मेरा हेडेक। ऑटोमेटिक राइटिंग, आई डू रिमेम्बर दैट। जी ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम मैडम। एक कैन यू ऑटोमेटिक राइटिंग, मोर यस। एग्जैक्ट, और कार्टोमेंसी में थोड़ा सा कम दिखते हैं, ऐसा है क्या? मतलब क्या मतलब डिफरेंस क्या है टैरो किस में? और इसमें, डिफरेंस क्या है? मतलब टैरो में हम लोग देखिए कोई सिनेरियो और डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं क्या? इसमें भी कर सकते हैं आप डिटेल एनालिसिस, आपको बताया प्रेडिक्टिव टूल दोनों है। बस देखिए एक ओके चीज आपको बताऊं होता क्या है कि धीरे धीरे एड ऑन फीचर्स डेवलप होते जाते हैं विद टाइम एंड टेक्नोलॉजी। बट जैसे जो बेनिफिट तो है मैम इसमें, मतलब इजीली समझ में आ रहा है क्या? मतलब हाँ आप बहुत इजीली इजीली। समझ पाएंगे, बहुत इजी लैंग्वेज है और सिंबॉलिक लैंग्वेज है जो आप समझ पाएंगे इजीली। यस, इफ टीनेजर इज डूइंग इट देन तो काफी मतलब यूजर फ्रेंडली है ये टूल। हाँ जी थैंक यू डॉक्टर सुभाष जी। मैडम बिल्कुल मैम इसमें आप प्रोटेक्शन भी सिखाओगे ना, मतलब रीडिंग के पहले किसे तो बिल्कुल, ऑरा प्रोटेक्शन करना है एंड कॉर्ड कटिंग भी वो तो बाद में। मैंडेटरी है। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी सर। मैडम ये जो टाइमिंग है इट इज रिलेटिवली रिलेटिवली टफ इन टैरो आल्सो, सो हाउ परफेक्ट टेक्निक इन कार्टोमेंसी? सर इन कार्टोमेंसी एक्चुअली व्हाट हैपेंस इज एवरी कार्ड सिंबल इट इज डिवाइडेड इनटू वीक। हेलो सर आर यू एबल टू हियर मी? यस यस मैडम नाउ। हाँ सर इन कार्टोमेंसी व्हाट हैपेंस इज दैट एवरी सिंबल एवरी कार्ड दैट वी रीड वो वीक्स के बेसिस पे चलता है, विच आई विल बी शेयरिंग द नॉलेज ऑफ द सेम। तो इसमें आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि इतने वीक्स में ये काम होना है, इतने वीक्स आई में, सी। सो देन यू आर एबल टू प्रिडिक्ट द डेट ऑल्सो क्लोजली। ओके मैडम आई हैव ऑलरेडी ज्वाइंड योर हेलो कोर्स। हेलो, मैडम थैंक यू सो हेलो मच सर, थैंक यू। मैडम। यस यस सर, ओके ओके मैडम ठीक है, हो गया मैडम हो गया। जी सर। सो एज मेंशन आप सभी लोगों को ये बताया गया है कि आप कैसे एनरोल कर सकते हैं। जेएल जी आप प्लीज मुझे दोबारा से होस्ट बना दीजिए, आप दोबारा से होस्ट बन गए थे। हाँ सो आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीनशॉट एक बारी। सर शेयर द स्क्रीन। थैंक यू। सो आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा। यू कैन गेट योर सेल्फ एनरोल्ड सो दैट वी कैन स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम 7th ऑनवर्ड्स। राइट मैडम डे कौन से रहेंगे? सर। मैम मंडे और वेंसडे, हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होती है, मंडे और वेंसडे होंगी। 4:30 से 6 बजे तक का टाइम आप मान के चलिए, 6 बजे तक मैक्सिमम आप फ्री हो जाएंगे।
थैंक यू. So with this, I would like to conclude today's session. Thank you all for joining. Thank you so much. And we Thank wish to you continue this much, journey. 7th. Hanji Manali ji. Thank hi, you, ma'am. Madam. I'm sorry. I was Thank like you. little distracted in between because I was attending another like important meeting. Okay. So, ma'am, my question is like I'm very new to this occult science studies. Okay. And I'm exploring this field with little knowledge of Vedic astrology and numerology. Okay. And I've also done a course on Western switch words also and little bit of Vedic. But that's not related. But the thing is that I have just come to know a few days back that there are certain certain things that restrictions about certain horoscopes where you know there are cursed horoscopes and all where we should not there are restricted remedies to be followed, like only nakshatra based remedies we should be giving. और इस लाइक द कर्स ट्रेवल्स बैक टू अस. तो उसमें ना मैं अभी थोड़ा दूसरा जगह से मैं टैरो कर रही थी तो मैं बहुत डर गई हूँ सेशन को अटेंड करने के बाद. तो मतलब मुझे यही कंसर्न हो रहा है शुड आई गेट इनटू दिस फील्ड और रिट्रेस क्योंकि मतलब मुझे टैरो भी करना होगा तो उसी में तो कार्मिक इंटरवेंशन होने के चांसेस है ना मैम. तो हम क्या देखिए, करें. मैं आपको सिंपल सी एक बात बताऊं. आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग टैरो सिंस लॉन्ग, प्रैक्टिसिंग ऑल्सो एंड टीचिंग ऑल्सो सिंस लॉन्ग. और एक चीज का हमेशा याद रखिए, व्हेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग टैरो, व्हेन एवर यू आर डूइंग अ रीडिंग, इफ यू फाइंड दैट द पर्सन फ्रॉम फॉर होम यू आर कंडक्टिंग द रीडिंग इज नॉट केपेबल ऑफ पेइंग यू, फर्स्ट थिंग एनर्जी एक्सचेंज इज मस्ट. तो वो आप कैसे ले सकते हैं, अगर जैसे इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू पे, यू कैन टेक इट इन सम काइंड ऑफ अ फेवर और इन सम काइंड ऑफ वर्क. लाइक व्हेन आई एम डूइंग अ रीडिंग फॉर माय चिल्ड्रन, आई जनरली आस्क देम टू क्लियर देयर रूम. सो दैट इज अनदर कार्मिक थिंग दैट आई आस्क देम एंड इट बैलेंसेस इट. And this should be done for everywhere. Now, coming on to creating karmic bondage, it is only created if you're not interpreting the correct thing. If you're following the ethics, if you're following everything, and if you're delivering whatever you interpret in the right manner, then there's no karmic bondage because, see, you are the one who's been chosen to help out. It was not in your hand. Now, today you're saying that you were inclined, but this never happened in a single day. This inclination was triggered due to some either sufferings or something that you made your mind to find answers, and through occult you started finding answers. Right? Yes, ma'am. So all the souls who actually are a part of occult have already undergone a lot of suffering. A lot of karmic thing was released. Then they came into occult. That's right, ma'am. Very true. So once when we are practicing it now, we try to wash off that part. If you're doing something good to someone, if you're helping out someone, then it is a karmic cleansing that is happening on your part. Okay, okay. Yes, ma'am. Right. रिलीज मैम थैंक यू सो मच. मीन्स मैं बहुत डर गई थी उस सेशन के बाद, लास्ट वीक ही हुआ था और उन लोग का कोर्स भी बहुत हाई एंड है. सो लाइक आई वाज नॉट एबल टू गेट माय सेल्फ एनरोल्ड देन. बट यस मैम आई विल बी आई एम श्योरली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कोर्सेज. आई एम वेरी न्यू टू योर प्लेटफॉर्म ऑल्सो गुरु जी ज्ञान. सो आई एम लाइक रियली ग्रेटफुल टू गॉड एंड यूनिवर्स फॉर दिस कनेक्शन एंड टू गुरु जी ऑल्सो for this platform. And I'm looking forward to your courses, ma'am. Thank you so much. I'll be definitely seeing thank you, you. In the coming months. Thank you so much. Thank you. Thank you. So with this, Anji. मैंने तो मतलब मैं professional reading नहीं करती हूँ. I give angelic, I mean I pick up angelic card for my friends who ask for. तो वो थैंक यू बोल देते हैं, मैं भी हैप्पी हो जाती हूँ. तो हो गया ना एनर्जी एक्सचेंज. इज इट मैंडेटरी टू चार्ज अंटिल एंड अनलेस आई विश और होल्ड द एक्सपेक्टेशन.
नहीं, इट इज नेसेसरी टू चार्ज इन एनी वे यू फील लाइक, दैट इज योर कॉल. यस यस सिर्फ दिस इज माय हाँ, दैट इज योर कॉल. ओनली अ वर्ड ऑफ थैंक्स एट टाइम्स इज नॉट डन. सी, इट इज इवन टफ सिचुएशंस, यस आई डू टीच राइड अवे इट्स ऑल्सो. इवन इन टफ सिचुएशंस वॉट हैपन्स इज दैट मैम नॉइस ब्रेक बहुत हो रहा सारे ऐसे केसेस आते हैं, टाइम्स फॉर हीलिंग आ जाते हैं. आई केम, हेलो, एम आई ऑडिबल? है। अभी है एम आई ऑडिबल हो ऑड? मैम और अभी ऑडिबल हाँ. हो सो एट टाइम्स द सिचुएशन इज टफ एंड इट इज नॉट इन योर हैंड. सो व्हाट हैपेंस इज द मिनिमम दैट यू कैन चार्ज, दैट यू शुड से. ईदर इट कैन इवन बी एन एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट फीड द बर्ड्स फॉर 2 डेज, दैट वोंट कॉस्ट मच. ओके बट मैम सो मुझे एक्चुअली प्रोफेशनली इसमें जाना ही नहीं है। मैं जस्ट मतलब अभी मतलब राइट नाउ इट इज नॉट माय कॉल बट ऐसे मतलब अच्छा लगता है सो सिटी यू एंड कोई अगर बहुत क्लोज फ्रेंड में पूछते हैं कुछ इश्यूज हुए तो जस्ट आई पिकअप द कार्ड्स बट यस आई टोल्ड दैट टू अ गर्ल शी इज माई फ्रेंड कि तुम कोई नीडी पर्सन को 51 रुपीज का कुछ खिला दो क्या कुछ हाँ, डोनेट कर दैट्स दो ओके. हाँ, सो दैट आई सेड एंड टू अनादर आई सेड दैट कि ओके विल गिव मी रीडिंग आई गिव यू रीडिंग एंड हाँ. ऐसे किया था बट इन केस ऑफ अगर सो फैमिली तो वो तो जस्ट स्माइल करके नेट चले जाएंगे राइट ओपन नहीं हो रहा था, मैंने बोला ये तो मैंने अरे नहीं तो पूछा कि नेट मैडम नहीं. तो जो ऐसे स्माइल करके जा रहे हैं, यू नीड टू आस्क समथिंग. यू कैन आस्क एनी फेवर. यू कैन आस्क देम टू फीड द एनिमल्स, फीड डॉग्स और मे बी बर्ड्स और मे बी एनी एक्ट ऑफ काइंडनेस. यू कैन जस्ट आस्क दैट. ओके इवन फॉर फैमिली मेंबर्स ओके यस, व्हेन आई डोंट इवन स्पेयर माय किड्स, देन सी इट इज अ कार्मिक बॉन्डेज. एंड लेट मी रिमाइंड यू ऑफ वन थिंग. अर्थली लेवल, दो वी आर कनेक्टेड, we are in a relationship, that they are my children. At soul level, they had chosen my womb, but then their soul journey is entirely different from mine. So they यस need बट to learn and evolve for their own soul journey. So every step wherein I am being overprotective, I am creating hurdles for their soul journey. If I am leaving them on their own, then they learn and evolve by their own. मैम अगर मुझे मन ही नहीं हुआ कुछ भी लेने के लिए ऐसे ही आप हैप्पीनेस के मत ले, लिए दे दिया आप मत तो उसमें भी लीजिए. तो उसमें भी कार्मिक बॉन्डेज बॉन्ड बनता है क्या? हाँ, उसमें बनता है. आप उनसे कुछ और फॉर्म में ले लीजिए ना. जस्ट टेक अ, यू कैन, व्हाट यू कैन डू इज कीप अ कैंडी जार, एक कैंडी डलवा दीजिए उसमें और बाद में वो कैंडीज बांट दीजिए बच्चों में. ओके बट व्हाई इट इज मैंडेटरी टू टेक द वी डोंट, एनर्जीज बिकॉज वी डोंट वॉन्ट कार्मिक बॉन्डेज टू बी क्रिएटेड. कार्मिक कॉर्ड्स कनेक्ट हो जाते हैं. यू माइट हैव हर्ड अबाउट एथरिक कॉर्ड्स, इमोशनल कॉर्ड्स. सो व्हाई टू कनेक्ट कार्मिक कॉर्ड्स? सो वी आर रिलीजिंग दोज कार्मिक कॉर्ड्स, राइट? ओके सो व्हेन वी एनर्जी द एनर्जी एक्सचेंज इन एनी फॉर्म तो वो नहीं बनता है गॉट इट हाँ, वो नहीं बनता है. कॉर्ड कटिंग डज हेल्प, लेकिन आपके खुद के एक्शंस बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. कॉर्ड कटिंग तो इन एनी केस वी प्रैक्टिस, बिकॉज वी आर अटैच टू मेनी थिंग्स, सो वी डू प्रैक्टिस कॉर्ड कटिंग. यस मैम थैंक राइट. So today's session we'll conclude here, right? And wish to see you in the starting session of the journey. So till then, thank you everyone. thank you Thank you for madam joining. bye Thank you. Thank you.